वेलकम बैक टू नाइटिंग नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जयपुर की जो लिस्ट है CHU राजस्थान CHU की जो जयपुर की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आज ही ये जो है अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी पूरी अपडेट। यहाँ पे लिस्ट भी जारी हो चुकी है जिन कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसका आपको सब्सक्राइब करना है। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ऑल पे, ताकि जितनी भी अपडेट हो आप तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल पर चाहे वो CHU की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो या फिर AIIMS की वैकेंसी हो, आपकी पूरी अपडेट इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं डिटेल की ओर। तो देख सकते हैं कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंड स्वास्थ्य सेवाएं जोन जयपुर के द्वारा यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, जिसमें विषय क्या है देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत CHO पद के लिए संविदा भर्ती पर कार्य ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों की भिजवाए जाने बाबत। यहाँ पे कार्य ग्रहण मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग जो लेटर है आ चुकी है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या है। उपरोक्त विषयानुगत संदर्भित आदेशों के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत CHO पद के लिए संविदा भर्ती कार्य ग्रहण करने का अभ्यर्थी जिन्होंने इस कार्यकाल में अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक की प्रस्तुत करना है। मतलब वहाँ पे हर कैंडिडेट का नाम दिया गया है जो जयपुर के हैं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान CHO में, उनके सामने में डेट लिखा है कि कब आपको ज्वाइनिंग करना है, जो कि एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण दिया जाकर आपके कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक दिन का ओरिएंटेशन भी आपको कराया जाएगा कि कहाँ कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसके दूसरे दिन ही आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। संदर्भित आदेशों की पालना में वांछित दस्तावेजों प्राप्त कर मूल दस्तावेजों की मिलान करने हेतु सत्यापन एवं करवाएं एवं निर्देशानुसार इसके प्रथमत COVID-19 के अंतर्गत कार्य करवाया जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है मूल दस्तावेज जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसको ओरिजिनल ले आना है, ताकि उसका जो है सत्यापन हो सके और फिर COVID-19 के तहत आपका जो है कार्य में वहाँ पे ले जा सकें। ठीक है, तो पदस्थापना एवं भुगतान के संदर्भ में संदर्भित नियुक्ति आदेशों के में दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालन की जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका नाम दिया गया है। जैसे पहला जो नाम है हितेश कुमार मीणा है, जिसका रोल नंबर दिया गया है, साथ में इनका चयनित क्रमांक दिया गया है और फिर आवंटित जिला तो जयपुर द्वितीय यहाँ पे है और संभाग कार्यालय में कार्यग्रह एवं प्रशिक्षण दिनांक जो है 11 को इनको जो है 11/5 को देन मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे इनको ज्वाइनिंग का डेट जो है आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एंड तक पूरा दिया गया है। यहाँ पे टोटल जो है 466। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर है। तो ये थी अपडेट। तो बहुत अच्छी बात है, जिनका ज्वाइनिंग का लेटर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी COVID-19 के तहत आपको जो है वहाँ पे आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मूल जो मेन है वहाँ पे फिर COVID-19 जब ख़त्म होगा तब वहाँ पे मेन में आपको फिर वहाँ पे पदस्थापना किया जाएगा। तो ये थी अपडेट। तो अपडेट अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतनी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।